हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा ही हूँ, तभी तो पढ़ा पा रहा हूँ यार। आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, अब तक आप देख ही लिए होंगे थंबनेल से। यस यू आर राइट, 2019 पेपर का जो जून, जो कि सप्लीमेंट्री कहलाता है, जून एग्जाम का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको सिर्फ MCQ एंड यस वन मार्क क्वेश्चन ही मिलेंगे देखने को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इजी भी होते हैं और आप आराम से इनको जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, उतनी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, एंड पुराने हो तो भाई करना तो है ही। ओके, चलो स्टार्ट करने से पहले एक कोट्स देखते हैं, कोट्स या कोट कोट देखते हैं। तो देखिए क्या दिया है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। अगर आपको कुछ फ्यूचर में बनना है तो अभी से ही उसकी प्लानिंग शुरू करिए, कल के भरोसे मत छोड़िए या मत बैठिए। ओके, आज जो भी है जितना कर सकते हो करो, किसी भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो उसको करो, मतलब पोस्टपोन ना करो यार, यार बाद में कर लेता हूँ, कल कर लूँगा। ओके, ये बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लाइफ में। ओके, फ्यूचर तभी आपका अच्छा बनता है जब आप प्रेजेंट से ही उसको सुधारते जा रहे हो। ओके, इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सेशन, जो कि जून 2019 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ओके, MCQ एंड वन मार्क क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आते हैं MCQ पे। नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखने लगे। हाँ दिख रहा है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n+3 देन थर्ड टर्म ऑफ AP इज व्हाट। तो nth टर्म मतलब an दिया हुआ है कितना, 5n+3। व्हाट इज थर्ड टर्म मतलब a nth के बदले 3 डाल दो बस, तो ये 5 × 3 हो जाएगा प्लस 3। सो ये 5 × 3 = 15 + 3 कितना होता है भाई, पहले मल्टीप्लाई करना याद रखना, ये नहीं कि 3 × 3 = 9, 5 = 45 कर दिए। ओके, कितना होगा 18, तो आंसर बी। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है बस। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर PA, PC एंड CD आर टैंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ सेंटर O। इफ PA इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ PC इज डैश। तो देखो यहाँ पे जो दिया है क्या बोल रहा है, PA, दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है PA, ठीक है, ये है PB, करेक्ट, एंड दिस इज CD एंड दिस इज CB। तो दिया है कि PA इज इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे CD इक्वल्स टू 3। तो अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं इस सर्कल का एक टैंजेंट बनाता हूँ इस पॉइंट से और इसी को ऐसे, तो हमने पढ़ा है थियरम में कि इस टैंजेंट से एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों का लेंथ सेम होता है। अगर ये 2 है ये भी 2 होगा। तो यहाँ देखिए P से एक और से देखिए, इधर जी एक टैंजेंट गया यहाँ तक, यहाँ भी एक टैंजेंट गया यहाँ तक, मतलब ये 3 है तो ये भी 3 होगा, करेक्ट। उसी तरह C से देखिए, दो टैंजेंट दिख रहा है आपको, एक D के पास और एक B के पास, मतलब CD जितना होगा उतना ही CB होगा, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब गौर से देखिए PC का लेंथ पूछा है, तो PC क्या हो जाएगा, 3 + 5 इज हाउ मच, 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में 8 दिया है, यस ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन थियरम। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा भाई इग्नोर कर लेना। ओके, इफ द लाइंस ड्रॉन टू ए लीनियर इक्वेशंस ऑफ द टाइप a1x + b1y + c1 = 0 एंड दिस आर कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर। को इंसिडेंट फिर से आया, हम साथ साथ हैं, है ना, साथ साथ है मतलब पूरे बराबर होते हैं, a1/a2 = b1/b2 एंड दैट इक्वल्स टू c1/c2। ये डायरेक्ट जब भी देखो को इंसिडेंट तो ये है इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो
नॉट इक्वल है, ये फर्स्ट में नॉट नॉट एक ही है जो कि सारे के सारे साथ में, मतलब इक्वल है. सो दिस इज द करेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. नेक्स्ट मेन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स वाई इज डैश. तो देखो गौर से देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता, कार्टेशियन सिस्टम, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, उसका वैल्यू क्या होता है 0,0. तो ओरिजिन का वैल्यू भैया क्या होता है, याद रखना 0,0. और कहीं पे भी एक पॉइंट दिया हो एक्स कॉमा वाई, बोल दे इन दोनों का डिस्टेंस बताओ. तो ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू. तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला में डालते, अगर डी लिखूं मैं, तो क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, करेक्ट. तो एक्स वन एक्स टू क्या है, एक्स ही है, और ये जीरो तो नहीं लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और वाई टू जीरो है, वाई वन जीरो है, तो सिर्फ वाई टू बचा, तो ये वाई स्क्वायर. तो जब भी ये डिस्टेंस फॉर्मूला दे बिटवीन द ओरिजिन एंड ए पॉइंट, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है. तो ऑप्शन देखिए, रूट ध्यान देना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी इज द करेक्ट आंसर. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव ये सल नहीं है, HCF LCM पूछा है तो वो नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं. द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 60. तो साइन 30 कितना होता है भाई, 0 1/2, करेक्ट, 1/2 होता है. कॉस 60 भी 1/2 होता है. ये वैल्यूज आपको याद रखने, हाफ और हाफ मिलके कितना होता है एक, आधा आधा मिलके बन गया एक. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं. इन द गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू p ऑफ x, द नंबर ऑफ जीरोस इज डैश. तो देखो ये बहुत कंफ्यूज रहता है बहुत लोग, ठीक है. नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब कि y का वैल्यू क्या है, जीरो, करेक्ट, इस इक्वेशन में. तो देखो y का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट होके जाएगा वहां पे वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है. तो कितने जगह पे कट हुआ है, तीन, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, थ्री, दैट्स ऑल. तो तीन जगह कट हुआ है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही वाई जीरो होगा ना, तो देयरफॉर थ्री इज द राइट आंसर. ओके बढ़ते हैं अगले पेज में, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं. ओके ये भी हमारा कौन सा है भाई, ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये साल है नहीं, तो ये मैं डिलीट करता. सो आई होप अब तक जो भी क्वेश्चंस किए मैंने एमसीक्यू के, वो सब आपको समझ में आ गए होंगे. अगर आए हैं तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो वेरी गुड, नहीं किए हो तो कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, किए हो तो थैंक यू, नहीं किए हो तो प्लीज करो. ओके तो चलो अब बढ़ते हैं सेकेंड मेन में. कितने क्वेश्चन है, सिक्स. तो 2019 में सिक्स क्वेश्चन ही आते हैं, आते थे 1 मार्क्स के. ओके ये 2020 से शुरू हो गया 8 8 मार्क्स का, तो इस बार भी 8 MCQ 8 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है. राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द लास्ट टर्म इज ए एन. तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू, क्या है फॉर्मूला, ए प्लस ए एन, बस ये फॉर्मूला है जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया रहे. तो इतना आपको लिखना है, खाली फॉर्मूला पूछा हुआ है. ओके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस हैज नो सॉल्यूशंस, चाहे इनकंसिस्टेंट, देन व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दे. तो देखो मैंने बोला है तीन लाइन होता है, एक पैरेलल लाइंस, एक इंटरसेक्टिंग, और एक हम साथ साथ हैं हमारे कोइंसिडेंट. तो पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन और यहाँ पे मेनी. अब यहाँ पूछा गया है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन कब होगा भाई, जब ये लाइंस क्या होंगे, पैरेलल. तो व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दीज, तो दीज आर पैरेलल लाइंस, आंसर होगा हमारा पैरेलल लाइंस, बस और कुछ नहीं. ये तीनों में एक्स्ट्रा बता दिया ताकि इस टाइप के आए तो आप रेडी रहो. अगला क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके ये भी नहीं है, ये साल तो उड़ाते हैं. राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, ये भी नहीं है, हटा देते हैं. व्हाट इज द डिग्री,
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं है बट फिर भी क्वाड्रेटिक में पूछ सकते हैं, तो ये है 3, हाईएस्ट डिग्री 3, 2 या 1 कांस्टेंट, तो 3 इज द आंसर अगर पूछे तो, डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है वही लिखना है, तो सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज 90 डिग्री, ओके, एंड ए सी बी इज 60, फाइंड ए बी बाई ए सी, ए बी इज टू ए सी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देखो टीटा यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, करेक्ट, अगर हम अज्यूम करें इसको 60 टीटा, तो इसका अपोजिट क्या कहलाएगा, ये करेक्ट अपोजिट साइड, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस कहलाता है और ये जो बच गया ए कहलाता है, तो इस हिसाब से ए बी क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा ओ, और इस टू का मतलब बाई लिख लो चलेगा, और ए सी क्या कहलाएगा, एच, करेक्ट, तो समझ लो ओ बाई एच पूछे हैं कि फाइंड ओ बाई एच क्या है, तो ओ बाई एच किस वाले फॉर्मूला में आता है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस साइन टीटा में, साइन टीटा में आता है। अब यहाँ पे साइन टीटा के बदले क्या दिए हैं, 30 डिग्री, तो हमें 30 डिग्री का वैल्यू लिखना है। देखो कितने घुमा फिरा के पूछे हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनका बेसिक स्ट्रांग हो, तो भाई मेरे वीडियो अगर देखो शुरू से ना, तो आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ होगा, ये ट्रिक भी आपको बताया है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले वीडियो में, ओके। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो आंसर क्या है, 1/2, दैट्स ऑल, है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉल्यूशन इजी है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ओके। सो आई होप अब तक जितना भी इस वीडियो में मैंने सॉल्व कराया वो आपको समझ में आ गया होगा, सो अगर आया है तो प्लीज यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे नहीं, हैव अ गुड टाइम, रात को देखोगे तो डे कहाँ से होगा, ओके, सो हैव अ गुड टाइम, बाय।